हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम 2021 के बारे में। जी हां दोस्तों, रीट एग्जाम 2021 सभी कैंडिडेट की कंडक्ट करवा ली गई है। साथ ही में दोस्तों, अभी सभी कैंडिडेट जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि उनकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया जाए, एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बताया जाए। सो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं यहाँ पर एक अनुमानित कट ऑफ लेकर के आ सकता हूँ, आप इसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह सकते हैं कि एक संभावित कट ऑफ जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी। साथ ही में दोस्तों, हमारा जो सेफ स्कोर रहेगा वो हमारे कितने नंबर के बीच में हम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, हमारा सेफ स्कोर कितना रह सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। रीट लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ आपको यहां पर बताई जा रही है ये आप ही के नंबर के आधार पर बताई जा रही है। जो भी नंबर आपने हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताए हैं उन्हीं नंबर का एक एनालिसिस किया गया है एंड उन्हीं नंबर के आधार पर ये कट ऑफ को तैयार किया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस नंबर के बीच में कट ऑफ जाएगी तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि यार आप लोग ना सिर्फ वीडियो को देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, तो हम भी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ यार एक थोड़ा सा इतना कर दिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लिया करो, ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं रीट एग्जाम 2021 की अनुमानित कट ऑफ 2021 की बड़ी अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर ले रीट एग्जाम 2021 के बारे में, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप कितने नंबरों पर जो है अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, साथ ही में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि बोनस अंक किस किस को मिलेगा, अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बोनस अंक के बारे में बात कर लेते हैं कि बोनस अंक आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किसको मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए, छात्रों ने 16 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर जो है आपत्ति दर्ज की है, 16 क्वेश्चनों पर छात्रों ने आपत्ति दर्ज किया। तो दोस्तों मान लीजिए कि 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को भी यहां पर जो है आपत्तिजनक माना जाता है, मतलब कि उन क्वेश्चंस पर जो है सरकार कह देती है या फिर जो है हमारा बोर्ड, जो हमारा आरएसएम एसएसबी का जो बोर्ड है वो कह देता है कि यहाँ पर जो है इन क्वेश्चंस को गलत साबित किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों उन 10 क्वेश्चंस को या तो डिलीट किया जाएगा या फिर जो है उनका अंक जो है सभी छात्रों को मिलने वाला है। सिर्फ ऐसे छात्रों को उनका जो है बोनस अंक नहीं मिलेगा जो छात्र उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके आए। लेकिन दोस्तों रीट एग्जाम 2021 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसकी वजह से जो है सभी छात्र सारे के सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आए। तो यहां पर जो बोनस अंक मिलने वाला है वो या तो सभी छात्रों को मिलेगा और नहीं मिलेगा तो किसी भी को भी नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बात जो है बोनस अंक के बारे में। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों आपको बोनस अंक दिया जाता है तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। सो चलिए अभी हम बात करते हैं सेफ जोन के बारे में कि आपका जो सेफ जोन है वो क्या रहेगा, आपकी कट ऑफ कितने नंबर के बीच में जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एसएसटी से, हम स्टार्ट करते हैं तो एसएसटी के बारे में हम बात कर लें। रीट लेवल 2 से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, देन इसके बाद में रीट लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल कैटेगरी से 116 से 121 नंबर के बीच में जो भी छात्र नंबर बना रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझिए, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओबीसी से 114 से 119 नंबर के बीच में अगर आप नंबर बना रहे हैं तो आप अपने आप को 101% सेफ समझ सकते हैं। एससी कैटेगरी से 110 से 115 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट 106 से 111 नंबर लेकर के आ रहे हैं वो सभी छात्र अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, यहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एमबीसी वाले 114 से 119 नंबर पर अपने आप को सेफ समझिए, यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। EWS के लिए 109 से 114 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, EWS के लिए ये वैकेंसीज प्रॉफिटेबल रहने वाली है। सो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि EWS के लिए जो है कट ऑफ इतनी कम क्यों बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप, मैं बता दूं दोस्तों, आप अगर EWS कैंडिडेट के यहाँ पर देखेंगे या फिर मैं कहूँ कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर EWS से फॉर्म लगाएं उनके नंबर आप चेक करना। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब अभी तक अपना EWS का सर्टिफिकेट बनाया भी नहीं है और उन्होंने EWS से फॉर्म लगाया। So, ऐसे में दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, बहुत सारी मतलब ऐसी सिचुएशंस होने वाली है जिसकी वजह से EWS का जो है कट ऑफ जो है कम रहने वाला है। अभी बात करते हैं दोस्तों हम हिंदी से। दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट वाले सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं कि यहां पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी, जनरल कैटेगरी से बात कर लूं तो 115 से 120 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ यहां पर रहने वाला है।
वहीं ओबीसी से 114 से 119 नंबर के बीच में जो भी छात्र नंबर लेकर के आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझिए, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी से बात कर लूँ तो दोस्तों 108 नंबर से 113 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी से 105 से 110 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। वहीं एमबीसी से 113 से 118 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये आपके नंबर के आधार पर बताई जा रही है, मतलब कि आप जितने भी छात्रों ने हमको जो है अपने नंबर बताए हैं, अपने नंबर शेयर किए हैं, उन्हीं नंबर का एक एनालिसिस किया गया है और उन्हीं नंबर के अंदर आधार पर ये कट ऑफ बता रही जा रही है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहां पर आप देखिए दोस्तों 109 से 115 नंबर के बीच में जो भी छात्र नंबर लेकर के आ रहे हैं वो सभी छात्र अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, यहां पर आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश से अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट वाले छात्रों के लिए, तो यहां पर देखिए जनरल कैटेगरी से 114 से 119 नंबर के बीच में आप अपने आप को सेफ समझिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहां पर नहीं होने वाली है। ओबीसी वाले 112 से 118 नंबर के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी वाले 110 से 115 नंबर पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, इतने नंबर अगर आप बना रहे हैं तो आप अपने आप को 101% सेफ समझिए। एसटी कैटेगरी में 105 से 110 नंबर के बीच में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एमबीसी वाले जो भी कैंडिडेट 111 से 116 नंबर के बीच में लेकर के आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 106 से 111 नंबर वाले सभी छात्र अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, अगर आप इतने नंबर लेकर के आते हैं तो आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों साइंस और मैथमेटिक्स से, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि साइंस और मैथमेटिक्स की कट ऑफ एक ही जाती है, दोनों सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही कट ऑफ कंडक्ट करवाई जाती है और एक ही कट ऑफ के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन लिया जाता है। सो जनरल कैटेगरी से बात कर ले तो 115 से 121 नंबर वाले सभी छात्र अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। साइंस और मैथमेटिक्स की कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। ओबीसी के लिए 114 से 119 नंबर पर आप सभी अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। एससी कैटेगरी वाले 108 से 114 नंबर पर आप अपने आप को सेफ समझिए। एसटी में 105 से 110 नंबर पर अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। एमबीसी में 113 से 118 नंबर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 108 से 112 नंबर के बीच में आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, यही आपका कट ऑफ रहेगा। एंड दोस्तों ये आपका कट ऑफ जो है आप ही के नंबर के आधार पर बनाया गया है। अभी बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट के लिए, तो एक जनरल कैटेगरी से 117 से 123 नंबर के बीच में आपका जो है सेफ जोन रहने वाला है, इसी के बीच में आपका स्कोर रहेगा। ओबीसी वाले 116 से 122 नंबर के बीच में अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है, इससे बाहर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। एससी वाले कैंडिडेट 114 से 118 नंबर के बीच में अगर स्कोर कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझिए। एसटी कैटेगरी में 108 से 114 नंबर के बीच में अगर स्कोर कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। वहीं एमबीसी की बात कर ले तो 115 से 120 नंबर के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए 108 से 114 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगा। सो आप अपने आपको सेफ जोन में समझ सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इन नंबरों के बीच में अपना स्कोर कर रहे हैं वो सभी छात्र अपने आपको सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ रहेगा वो इतना ही जाने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं रीट में फीमेल्स की और जो भी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है या फिर विडो कैटेगरी कैंडिडेट की बात कर लूँ या फिर एक्सर्विसमैन कैंडिडेट की बात कर लूँ, उन सभी कैंडिडेट के लिए, तो देखिए दोस्तों आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ है वो 8 से 10% डिक्रीज कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, फीमेल्स के लिए या फिर मैं बात कर लूँ विडोज के लिए एंड यहाँ पर एक्सर्विसमैन कैंडिडेट या फिर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट उनके लिए, तो यहाँ पर 8 से 10% कट ऑफ को कम कर दिया जाता है इन सभी कैटेगरीज की जो है कैंडिडेट के लिए। ये जितने भी कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप्ड की मैं बात कर लूँ या फिर एक्सर्विसमैन की बात करूँ या फिर मैं विडो कैटेगरी की बात करूँ या फीमेल्स की बात करूँ, तो इनके लिए 8 से 10% कट ऑफ जो है डिक्रीज हो जाती है, 8 से 10% कट ऑफ इनकी कम जाती है। सो ऐसे में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 120 नंबर की, तो आप 120 नंबर में से जो है 8 से 10% माइनस कर सकते हैं, मतलब कि दोस्तों करीब 10 नंबर आप माइनस करते हैं तो 110 नंबर के बीच में आपका जो है कट ऑफ यहाँ पर निकल करके सामने आता है। सो इस तरीके से आप जो है अपनी कट ऑफ निकल कर निकाल सकते हैं और इसी के आधार पर आपका यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। 8 से 10% फीमेल्स हैंडीकैप्ड और विडो कैटेगरी और एक्सर्विसमैन कैटेगरी के लिए यहाँ पर कट ऑफ कम रहने वाली है। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों इसी के आधार पर हम आपके लिए एक बेटर कट ऑफ तैयार करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।